देख सकते हैं मैम की फर्स्ट रिफिलिंग है। मैम 2.5 से 3 महीने में आए हैं। मैम के हेयर देख सकते हो कितना स्टैंड नीचे आ चुका है, और मैम के जो स्टैंड है आप क्वालिटी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई देखेगा तो ये भी नहीं कहेगा कि मैम ने एक्सटेंशन कराए हुए हैं। तो गाइज, जो लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन से बाल खराब होते हैं या रिफिल में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्वालिटी देख सकते हो, स्टैंड बंदा निकाल रहा है, ये देखिए इजिली स्टैंड निकल जाता है ग्लू सोल्यूशन लगाते ही, तो एक्सटेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं सारे स्टैंड निकालने के बाद भी मैम की वीडियो दिखाऊंगी कि हमने मैम का प्रोसेस कैसे किया और मैम को हमने दोबारा एक्सटेंशन कैसे लगाए, तो आप देख सकते हैं रिमूव हो चुके हैं। आप डेंसिटी एंड क्वालिटी आपकी देख सकते हो मैम की। मैम के जब हम एक्सटेंशन लगाएंगे तो कोई पैच नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी जब मैं आपको वीडियो हेयर एक्सटेंशन के लगाने के बाद दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं। ये हमने लगाने शुरू कर दिया मैम के स्टैंड, मैम की फर्स्ट रिफिलिंग है। मैम की फर्स्ट रिफिल थी, मैंने दिखाया मैम के स्टैंड निकल रहे थे, मैंने आपको तब भी दिखाया जब मैम के स्टैंड निकल चुके थे, मैंने तब भी आपको दिखाया। अब मैम का पहले स्टैंड लग चुके हैं, टचअप हो रहा है, डन केराटिन है। तो जब भी आपको रिफिल करानी हो तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या क्या वर्क ऐड कराना है, टचअप है, केराटिन है, कलर है, एवरीथिंग जो भी आप कहोगे हम वही करते हैं। और रही बात कलर सजेशन की, जैसे कि आपने, मैंने ब्लॉन्ड हेयर कलर कराया था, किसी ने कराया था, एक्सटेंशन कराए थे माही ने, तो आप सबने कहा बहुत ही गंदा कलर है, बहुत ही गंदा है। तो गाइज, जो क्लाइंट को पसंद होगा हम वही कलर करेंगे हम। तो गाइज प्लीज, जिसको जो पसंद होता है वो वही कराता है। अगर मुझे ये कलर पसंद है मैं यही कराऊंगी, अगर आपको रेड पसंद है आप रेड, वही कलर सजेस्ट करते हैं, वही वो लोग कराते हैं। तो मेरी पसंद नहीं चलती, क्लाइंट की पसंद चलती है। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैं मैम की केराटिन के बाद प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊंगी, डेंसिटी दिखाऊंगी कि आपको कितनी अच्छी डेंसिटी आई, मैम को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। आज 3-4 रिफिल थी, मैंने 3-4 की रिफिल की वीडियो भी बनाई है, बाकी आप देख ही सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। मैम की पहली रिफिल थी, मैम ने स्टैंड निकलवाए, टचअप करवाया, सेकंड मैम ने केराटिन कराई, एक्सटेंशन लगवाए। अब क्वालिटी आप देख सकते हो, ऐसे कोई कहेगा ही नहीं कि मैम ने एक्सटेंशन लगवा रखे हैं। एंड डेंसिटी एंड क्वालिटी एंड डबल टोन स्टैंड है, जो कि लोग कहते हैं कि डबल टोन कुछ होता ही नहीं है, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और मैम की फर्स्ट सिटिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो क्वालिटी। सो गाइस, आप देख सकते हो कितनी अच्छी डेंसिटी है और क्वालिटी है, और मैम की फर्स्ट रिफिल थी, तो आप देख सकते हैं।